काशी के गंगा घाटों पर और गंगा की लहरों के बीच दिखाया जाएगा लेजर शो। आपको बता दें, लेजर शो के माध्यम से धर्म तथा काशी के मर्म व गंगा के मर्म को दिखाया जाएगा। इस दौरान साउंड सिस्टम द्वारा दिखाए जाने वाली आकृतियों की विशेषता भी बताई जाएगी। आपको बता दें, इस लेजर शो का उद्घाटन शुक्रवार को देव दिवाली के पर्व पर वाराणसी पहुंचे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। यह लेजर शो 80 घाट पर नियमित तथा स्थायी रूप से चले जनवरी माह में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान 80 घाट पर डेली यह लेजर शो चलेगा। वाराणसी से पीपीसी रिपोर्टर आफ्ताब आलम और त्रिपुरा यादव के साथ राजू प्रजापति की ये रिपोर्ट। देव दीपावली का तिलस्मी आकर्षण होता जा रहा है, इसीलिए पूरी दुनिया को देव दीपावली का बेसब्री से इंतजार रहता है। देव दीपावली के दिन देश विदेश से लोग बनारस के गंगा घाट पर एकत्रित होने लगते हैं। राजनीति, खेल, कला, संगीत के अलावा उद्योग जगत की हस्तियां इस महोत्सव का साक्षी बनते हैं। देव दीपावली महोत्सव भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनारस की पहचान को कभी फीके नहीं पड़ने देता है। इस उत्सव में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु व पर्यटक नाव पर बैठ कर इस अनूठे दृश्य को लगातार निहारते रहते हैं। देव धर्म के उत्सव में परस्पर सहभागी हैं काशी के इन्होंने इस उत्सव को महोत्सव में परिवर्तित कर विश्व प्रसिद्ध कर दिया है। जो लोग अब तक काशी की देव दीपावली से अपरिचित थे, अब वो भी जानते हैं देव दीपावली देश दुनिया के वही गाड़ी से निकलेंगे। देव दीपावली जैसी हो उनके जीवन का बन रहा है। वाह, क्या बात है।
गंगा के तट पर बसी काशी नगरी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। अनंत काल से बाबा विश्वनाथ के जयकार से कभी त्रिपुरा से क्योंकि त्रिपुरा से अपने पतोवन से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि वो देवता पशु पक्षी स्त्री पुरुष जीव जंतु दैत्य निशाचर इनमें से किसी के हाथों नहीं मर सकता, इसीलिए वो निर्भय होकर तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। उसने स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर लिया था। तब देवताओं ने त्रिपुरा सुर के अत्याचार से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उस राक्षस से लड़ने में देवताओं की पराजय ही बताई, क्योंकि कोई भी देवता उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकते थे। तब देवता का इस समस्या के समाधान हेतु ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान शंकर के पास भेज दिया। देवताओं की प्रार्थना पर महादेव ने त्रिपुरासुर को मारने का निश्चय किया। महादेव उस दैत्य को तीनों लोकों में ढूंढने निकल पड़े। अंततः कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध कर उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त कराया। उसी दिन अपनी विजय से उस नाम ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली का उत्सव मनाया। तभी से विश्व के सबसे प्राचीन नगर काशी में देव दीपावली मनाने की प्रथा चली आ रही है। स्वर्ग से देवतागण देव दीपावली देखने काशी के घाट पर उतर आते हैं, क्योंकि इस दिन असंख्य दीपों से सजे घाटों की सुंदरता देख उनसे रहा नहीं जाता, वो यहाँ खिंचे चले आते हैं। यहाँ गंगा किनारे भोले शंकर के द्वार पर विजय दिवस मनाते हैं। साथ ही भागीरथी माँ गंगा और महादेव से संपूर्ण विश्व के कल्याण की अपेक्षा करते हैं। क्रमबद्ध दूर तक फैले 84 घाटों में 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट तथा मणिकर्णिका घाट को सामूहिक रूप से पंचतीर्थी कहा जाता है। देव दीपावली के दिन यहाँ गंगा स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। बाहर शंखनाद के साथ ही घंटों व घड़ियालों की ध्वनि के बीच यहाँ महाआरती की जाती है। आरती बाद सांझ की लालिमा छाते ही घाटों के अलावा पूरा वाराणसी लाखों दिए की रोशनी में नहा उठता है। गंगा के अर्धचंद्राकार तटों पर असंख्य दीपों का प्रकाश देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरा पर उतर आया हो। दीपों की खिलाती नौ जैसे कह रहे हो इन्हीं उमंगों से जुड़ी है आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी। परंपरा और आधुनिकता का गुरु संगम है देव दीपावली। ये उत्सव धर्म परायण महारानी अहिल्या बाई होलकर के प्रयत्नों से भी जुड़ा है। उन्होंने प्रसिद्ध पंचगंगा घाट पर पत्थरों से बना हजारों दीप स्तंभ का साक्षी है। पंचगंगा घाट का ये हजारा दीप स्तंभ 1000 से अधिक दीपों के नौ से जगमगा उठता है। महोत्सव को याद कर